और सेकंड ये है कि आपकी ज़बान बिकती है, अगर आप इज़्ज़त देंगे तो इज़्ज़त लेंगे। और अगर किसी को काम सीखना है तो वेलकम, मेरे पास आए, मैं खुद सिखाता हूँ उसको, कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स, बाकायदा मैं उसको सैलरी भी पे करूँगा। अगर किसी के दिल में तमन्ना है तो ज़रूर आए मेरे पास। इस टाइम कम से कम भी जो है ना वो 84 चीज़ों का मेन्यू है और इंशाल्लाह 2 महीने में टोटली रेडी कर दूँगा। सर ये क्या बनाया आपने, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत चीज़ लग रही है। ये लोडेड फ्राइज़ हैं, चिकन चीज़ और इंग्रीडियंट्स डले हैं सर, एक्सक्यूज़ मी, जिसमें कैप्सिकम, टमाटो, ऑलिव, जेलोपिनो, मशरूम एंड कॉर्न, उसके अलावा ऑनियन, उसके अलावा ऊपर चिकन और चिकन के साथ चीज़, फिर ये ओवन के अंदर स्टीम हुए हैं, फिर इसके ऊपर सॉसेस जली हैं, वाइट मायो एंड बारबेक्यू सॉस, और इसके अलावा ये चीज़ के साथ जो है ओवन में मेल्ट किया हुआ इसको। सर क्या बात है कि माशाल्लाह इस टाइम 3 बजे का टाइम है रात और इसी तरह रश पड़ा हुआ जैसे कि शाम 7 बजे का। माशाल्लाह माशाल्लाह, मियार और ज़ुबान दोनों चीज़ें बिकती हैं और मियार आपके सामने है, मेरी तो कोशिश है आप आएँ और टेस्ट करें एक दफ़ा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुसलमान पाकिस्तान। व्यूवर्स, मैं इस टाइम घड़ी शो में मौजूद हूँ एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट पे। असल बात आज की वीडियो बनाने की ये है कि ये जो भाई मेरे साथ आप देख रहे हैं, इन्होंने एक जगह पर एज अ वेटर काम शुरू किया था और आज माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि इनका कितना बड़ा सेटअप है और इनके अंडर कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? जी सैयद इब्राहिम अली शाह। सैयद इब्राहिम शाह, रावी माशाल्लाह इसी तरह बिजी रहते सारा दिन? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह ही आपके सामने है। सर आपकी जो मोटिवेशनल स्टोरी है उसके बारे में आप कुछ बताएं ताकि और लोग भी मोटिवेट हों। जी जी जरूर। सर कैसे आपने स्टार्ट किया? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं काफ़ी छोटा था और मैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जो पढ़ी लिखी है और रिच है माशाल्लाह। पर मैंने सिर्फ एक ही चीज़ देखी है कि अपने कारोबार की बरकत अलग है, इसलिए मैंने एक अच्छा काम किया है। 12 साल मैंने काम सीखा माशाल्लाह और उसके बाद तकरीबन एक अरसा हो गया, 6 साल हो गए मुझे अपना जाती करते अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है माशाल्लाह, बड़ा करम है मेरे पे कि आज मैं इतनी बड़ी लेबर के साथ जो है ना वो काम कर रहा हूँ और माशाल्लाह अच्छे अच्छे खाने बना रहा हूँ जो आप लोगों को मुतारफ़ करवा रहा हूँ, आप लोगों को टेस्ट करवा रहा हूँ और दुनिया माशाल्लाह लाइक कर रही है। सही है। सर आप उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो अपना काम करने से घबराते हैं, MA करके, MSc, MBA करके भी वो नौकरियाँ करते हैं और 15-20 हज़ार, 25 हज़ार रुपये लगे होते हैं? नहीं नहीं, आई नो, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग कभी भी ना स्टेप लेने से घबराएं, क्योंकि तरक्की करना हर इंसान का हक है। और मैं माशाल्लाह बड़ी रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैंने स्टैंड लिया तो अल्लाह पाक की ऐसी मेहरबानी है कि मैं खुद माशाल्लाह बहुत रिच हो गया हूँ अपने बलबूतों पर, अपने मोड़ों पर। तो आप लोग भी जो है वो कोशिश करें कि स्टैंड लें। सर बहुत सारे लोग ना इस चीज़ से घबराते हैं कि यार मैं जब ये चिप्स का काम या बर्गर का काम करूँगा मेरी क्यों फैमिली गुजरी मुझे गई, ओ देखो वो क्या काम कर रहा है। नहीं नहीं, आपके सामने झाड़ू भी मारना पड़ता है, सम टाइम ऐसा होता है लड़के नहीं आते। जी जी ठीक है ना। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि चौड़ा बन के कुर्सी पर बैठना पड़ता है मालिक बन के। तो ये काम साथ साथ हैं, अगर आप इन कामों से शर्माएंगे तो फिर अल्लाह पाक आपको कभी भी तरक्की नहीं देंगे। आपने जब ये काम शुरू किया तो शुरू में क्या क्राइसिस वगैरह भी आया? क्राइसिस आए, काफ़ी आए क्राइसिस, ऐसा लॉस हो गया हुआ था मुझे 6-8 लाख रुपए का कि मेरी पसली बस हो गई हुई थी। पर एक दिन मैं बैठा, मैंने अपना मेन्यू अपने सामने रखा, देखा किस चीज़ में मैं लॉस कर रहा हूँ, फिर उस चीज़ को मैंने प्रेफर किया, मैंने मज़ीद थोड़ा सा रेट अप किया, फिर कस्टमर को उस चीज़ के बारे में गाइड किया, तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने दोबारा बाजू पकड़ लिया, अब माशाल्लाह ऑल गुड। सर आप क्या एडवाइस देते हैं न्यू कमर्स को और बाकी लोगों को जिनके काम नहीं चल रहे कि उनके एथिक्स अच्छे हों, उनकी ज़ुबान अच्छी हो, किस तरीके से वो क्लाइंट्स को घेर सकते हैं, बुला सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप, मेरी कोशिश यही है कि आप सबको मेयार खिलाएँ, और सेकेंड ये है कि आपकी ज़बान बिकती है, अगर आप इज़्ज़त देंगे तो इज़्ज़त लेंगे। और अगर किसी को काम सीखना है तो वेलकम, मेरे पास आए, मैं खुद सिखाता हूँ उसको, कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स, बाकायदा मैं उसको सैलरी भी पे करूँगा। अगर किसी के दिल में तमन्ना है तो ज़रूर आए मेरे पास, इस टाइम कम से कम भी जो है ना वो 84 चीज़ों का मेन्यू है और इंशाल्लाह 2 महीने में टोटली रेडी कर दूँगा। सर बहुत सारी लड़कियाँ ना, लड़कियाँ घर में काम शुरू करना चाहती हैं, जैसे होममेड पिज़्ज़ा बना के बेचना चाहती हैं, तो क्या लड़कियाँ आपसे राबता कर लें, आप पिज़्ज़ा सीख? ज़रूर ज़रूर, मेरा नंबर वगैरह हर चीज़ जो है वो मेंशन है बोर्ड वगैरह पे, आप लोग ले लें, आपकी स्क्रीन पे भी इस टाइम चल रहा होगा, तो आपको किसी को भी चाहिए हो तो मेरे पास मैसेज में या व्हाट्सएप में मेरे साथ रब्ता कर लें, मैं इंशाल्लाह आपको रेसिपी अच्छी से अच्छी रेसिपी देता रहूँगा। क्या नाम है आपका? सर हाफिज़ फारूक। सर अभी आपने जो लोडेड फ्राइज तैयार करवाए हैं क्या कहते हैं इसके बारे में? सर आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल फूडी लवर। कितने अरसे से आ रहे हैं आप यहाँ? सर इट्स बीन 3 ईयर्स ऑलमोस्ट दैट आई एम विजिटिंग ऑलमोस्ट डेली बेसिस, इट्स मोर देन अ फैमिली एनवायरनमेंट दैट आई एम हैविंग ओवर हियर।
फ्लेवर्स के लिहाज से देखें चिप्स हर कोई बना लेता है, इट्स नॉट अ बिग डील, बट द गेम इज ऑल अबाउट द सॉसेजेस कि आपने कॉम्बिनेशन कितना अच्छे तरीके से चूज किया हुआ है। इधर का कॉम्बिनेशन इतना एक्सक्लूसिव है कि मैं अपने वन ऑफ द माय मैनेजर, हमारे ब्रांड मैनेजर है ना, उनका अपना 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है डिजिटलाइज मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स के ऊपर विजिट किया, लेकिन उन्होंने पर्सनली जब इनके फ्लेवर्स का सॉसेजेस का जो कम्बिनेशन है ना उसको ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा दैट इज़ समथिंग एल्स। एंड पर्सनली सर मेरा अपना तकरीबन 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, मैं फ़ैन हूँ सर इस चीज़ का, आई मीन आपको देख लें 2 ईयर्स हो गए हैं और मैं अभी तक इस फ्लेवर से अका नहीं हूँ, ठीक हो गया ऑन अ डेली बेसिस, ऑलमोस्ट वीक के अंदर 3 से 4 मरतबा तो लाजमी एक जिसे कहते हैं ना इसका अटैक आता है। सर आपका मुकम्मल एड्रेस क्या है यहाँ का? गड़ी सौ क्राउन सेल में की बैक साइड पे आप आ जाएं, इजी हो के क्राउन सेल में के साथ ही ओपन होते गली के अंदर हमारी पहली शॉप है, फर्स्ट सेकंड आपको नज़र आ जाएगी, इमरान प्लाजा 92A मुमताज स्ट्रीट हबीबुल्ला रोड। व्यूअर्स भाई ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि अगर कोई इनसे सीखना चाहता है बींग अ वेरी गुड मुस्लिम, इन्होंने बड़ी अच्छी एडवाइस दी, हालांकि इस तरह कोई भी नहीं करता अपनी रेसिपीज, कौन शेयर करता है? नहीं 100% श्योर है इंशाल्लाह रेसिपीज शेयर होगी, अभी तक तो बड़े लोगों से शेयर हुई है, बाकी जो रह गए उनसे भी शेयर होगी। ठीक है, तो जितनी भी हमारी बहनें घर में काम करना शुरू चाहती हैं वो होममेड पिज़्ज़े के नाम से ये काम शुरू कर सकती हैं। व्यूअर्स इनका जो नंबर है स्क्रीन पे चल रहा है, आप चैनल देख रहे थे मुसलमान पाकिस्तान, अगर आपके पास कोई मोटिवेशनल स्टोरी हो, कोई क्रिएटिविटी हो या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो आप हमारे इस दिए गए नंबर मुसलमान पाकिस्तान पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकअल्लाह खैरन।